अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डू द बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 9 सेपरेटिंग मिक्सचर्स। आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। टुडे वी विल डू ओनली द पार्ट ए। सो द फर्स्ट पार्ट इज मैच ईच डेफिनेशन इन द कॉलम ए विद द टर्म्स इन द कॉलम बी एंड राइट द करेक्ट आंसर्स इन द स्पेसेस गिवन बिलो। आपने डायरेक्ट मैचिंग नहीं करनी बेटा, जो कॉलम ए में ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इससे रेलिवेंट आपको जो आंसर्स लगते हैं वो आपने नीचे ब्लैंक्स में लिख देने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट। द सॉलिड डैट रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन, कि वो वाला सॉलिड जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डिसेंटेशन, इवेपोरेशन, ये दो तो नहीं हो सकते क्योंकि बोथ ऑफ दीज आर द नेम्स ऑफ द प्रोसेसेस। रेजिड्यू या फिल्ट्रेट, तो जो ऊपर चीज़ रह जाती है दैट इज़ नोन एज रेजिड्यू, ठीक है। तो हम फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे सी। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज द लिक्विड डैट पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर, के वो वाला लिक्विड जो फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर जाता है दैट इज़ नोन एज फिल्ट्रेट। सो इन द सेकेंड ब्लैंक वी विल राइट डाउन डी, कैपिटल डी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इज द मैथड यूज टू सेपरेट द हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड, कि वो कौन सा तरीका है जो भारी ज़र्रात को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? डिसेंटेशन और इवेपोरेशन। सो ए इज़ द राइट ऑप्शन, थर्ड वन में आप लिखोगे ए, कैपिटल ए। फोर्थ स्टेटमेंट, द मैथड ऑफ सेपरेशन इन विच द लिक्विड इज हीटेड, के वो अलहदा करने का कौन सा तरीका है जिसमें माया को यानी कि लिक्विड को हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है, दैट इज बी, ठीक है। तो आप फोर्थ ब्लैंक में लिखोगे बी। सो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट द पार्ट ए। आपने क्या करना है कि आपने अपनी बुक्स के ऊपर इसे खुद सॉल्व करना है। यहाँ से आपने समझ लिया है, लेकिन अब आप इसे सॉल्व जब खुद करोगे तो ये आपको एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा जिसे आपने खुद ही असेस कर लेना है, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।